और लिसनर्स, वैली ऑफ वर्ड्स में जहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकारों का, कवियों का, कलाकारों का जमावड़ा हो रहा है, जो कि 23, 24 और 25 नवंबर को यहाँ पर आयोजित किया गया, एंड वी हैव अ प्लेजर टॉकिंग टू जिलियन राइट, हु हैज बीन ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड टू दिस पर्टिकुलर प्लेस देहरादून टू पार्टिसिपेट इन वैली ऑफ वर्ड्स, फेमस राइटर एंड ट्रांसलेटर जिलियन राइट. मैम, डेडी जिंदगी में आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. तो मैम, वैली ऑफ वर्ड में आकर के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. देहरादून में दिल्ली के मुकाबले में आसमान साफ है, नीला आसमान है, बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ खास तौर पर मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूले बच्चे भी आके पहुँचे हैं, क्योंकि एक नए फेस्टिवल ये है ना, शायद दूसरे साल है. तो शायद टाइम लगेगा थोड़ा कि जनता में ये बात फैल जाएगा कि ये फेस्टिवल है. लेकिन मुझे बहुत खुशी है जब मुझे इतने सारे बच्चे नजर आते हैं. और मैम, आपको क्या लगता है कि आपने बच्चों की बात की, यंगस्टर्स की बात की, तो आर्ट एंड कल्चर में द इंक्लिनेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग और इज इट इंक्रीजिंग? आर्ट एंड कल्चर में कोई आप सीमाएं बता दीजिएगा. बिल्कुल. कोई सीमा नहीं है, ये रोजमर्रा जिंदगी से अलग नहीं है. बात यह है कि आपके पास इतने इतने धन्य है, सब कुछ है. लेकिन ये आपको माँ के दूध में नहीं मिलेगा, आपको सीखना भी है थोड़ा बहुत. और इसलिए फेस्टिवल्स में और म्यूजियम में कहीं भी आप जाएंगे तो ये जो कला है, जो सब कुछ आपका जो वातावरण में, आपके जो आपकी संस्कृति है, आप इस समुद्र में आप ठहर सकते हैं और सीख सकते हैं. मैम, लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, एंड यू आर सो वेल इन हिंदी. आप जिस तरीके से हिंदी बोल रही हैं, मतलब मैं क्या कहूँ. आपने ट्रांसलेशन इतना किया है, आपने श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी को ट्रांसलेट किया है, राही मजूम रजा को आपने ट्रांसलेट किया है, बहुत सारी किताबें आपने ट्रांसलेट की हैं. कितना डिफिकल्ट है ट्रांसलेशन करना? मेरा ख्याल है मैंने सिर्फ इन किताबों का अनुवाद किया है जो मुझे नहायत पसंद है. तो जो किताब आपको बहुत पसंद है, अगर आपके पास वक्त है, तो ये ट्रांसलेशन में इतना मज़ा है, एक तरह से जैसे क्रॉसवर्ड पजल है. क्योंकि कोई इक्विवेलेंट शब्द नहीं है, तो एक एक जुमले पे आपको सोचना है, समझना है, फिर पूछना है कभी कभार कि ये भोजपुरी का, इस भोजपुरी का शब्द का क्या मतलब है, एक्सेट्रा. तो ये सब करना पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपको खूब ध्यान देना पड़ता है ताकि उस माहौल को, उस समाज को, उस इतिहास के उस पल को भी आप थोड़ा इस लेखक के माध्यम से. जैसे राही मुसलम रजा की किताब है, वो 10 भाग में है, क्योंकि एक शिया सैयद परिवार के बारे में है जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में गंगोली गांव में रहते हैं. तो हर चैप्टर जो है वो एक, इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन 10 चैप्टर इसलिए हैं क्योंकि 10 दिन मुहर्रम के हैं. तो अगर आपको मालूम नहीं है कि इमामबाड़ा क्या है, नोहा क्या है, सोज क्या है, मरसिया क्या है, और इसकी अहमियत क्या है इसे परिवार के लिए, तो आप मिंबर क्या चीज़ है, नोहा क्या चीज़ है, तो ये सब चीज़ों को सीखना और देखना, सुनना, समझना होता है, तब भी आप आगे जाके तर्जमा कर सकते हैं. मैम, क्योंकि आपने समाक्त अली के साथ इतना काम किया है, उनकी किताबों के साथ इतना काम किया है, किस तरह का तालमेल है, कितना डिफिकल्ट है कि इतना बड़ा नाम समाक्त अली है, उनके साथ जब आप काम करते हैं और किताबें लिखते हैं, और वो एक्सपीरियंस कैसा है? जी, मैंने उनको करीबन 40 साल के से हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो आदत है. हमने एक साथ टेलीविज़न प्रोग्राम भी बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, अनगिनत, इतने हम गिन नहीं सकते हैं. वो लिखते हैं, हम एडिटिंग करते हैं और जाके बाइक पकड़ते हैं और एडिटोरियल काम करते हैं. तो हमने इतना, और उसके बाद जब 1984 तक हमने कभी जा नहीं है कि किताब लिखेंगे. फिर एक पब्लिशर ने हमें कहा कि आप लिखिएगा, फिर इतिफाक से और हमने सोचा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में लिखेंगे. और मार्क और सतीश का मुख्य था, मैंने रिसर्च किया इतिहास का, मैंने उसकी, तो तब से एक टीम की तरह काम करना है. और मेरे ये नेचर है कि मार्क जो आउटगोइंग आदमी है ना, वो मिलनसार है, और मैं जरा चुपचाप
रहने की आदत है मुझे, तो मुझे पब्लिसिटी या नाम दोनों मेरे लिए को बहुत ज़्यादा मानी नहीं रखते तो मुझे बस काम सही करना है और किसी अच्छे जर्नलिस्ट के साथ, किसी अच्छे प्रोफेशनल से या किसी भी मैदान में, अगर आपके साथी, अगर आपके कॉलीग हैं जो रियली बेहतरीन काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है. आप होटल चलाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, आप न्यूज़पेपर चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, स्कूल चलाएंगे, जब लोग अच्छे क्वालिटी के हैं और पूरे जी भर के और मेहनत करते हैं तो मज़ा आता है. तो इसलिए मुझे इस माँ के साथ मज़ा आता है. मुझे मालूम है बेहतरीन काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए हमारी टीम तो 40 साल से चल रहा है. निश्चित तौर पर. और ये एग्जांपल आपने सेट किया है कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, किस तरीके से लिखा जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है. मैम, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लिटरेचर किस तरह से आप देखती हैं? साहित्य पे इम्पैक्ट ये है कि जाहिर है कि ई बुक्स हैं और तो, लेकिन ई बुक्स लोगों ने सोचा था कि लोग ई बुक्स पढ़ेंगे और किताब नहीं खरीदेंगे. आपको याद है एक वक्त था जब वीडियो कैसेट आने लगे, और हम भी थे इनमें से. भारत में लोग पागल हो गए थे वीडियो के पीछे. तो हमें भी याद है, हमने वीडियो मशीन किराए पे लिया, रात को 3-4 हिंदी मूवीज देखी, पूरी रात जागते रहे. और लोगों ने सोचा था अब सिनेमा ख़त्म. सिनेमा है इस देश में कि नहीं? तो इसी तरह किताब अभी तक है, लेकिन एक फ़र्क है कि बहुत सारे किताब की दुकानें नहीं हैं. ओके और ख़ास तौर पे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, यानी अपने भारतीय भाषाओं, इंग्लिश को छोड़ के इन जबानों के लिए किताब की दुकानें कम है. इंटरनेट के ज़रिए में आपको फटाफट 2-4 दिन में सब कुछ मिल जाएगा. तो मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एक बहुत फ़ायदा यही होगा कि ई कॉमर्स से आपकी किताब कहीं भी पहुँच सकता है. और मैम, एक वन लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी सवाल, यंग राइटर्स जर्नलिस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इंडिया के नौजवान लेखक, जहाँ तक हमने देखे हैं, इनमें इतना आत्मविश्वास है. मैं जब उस उम्र की थी, मुझमें ज़रा भी आत्मविश्वास नहीं था. इन लोगों में बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा में एक जोश है. और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि लोग जिस तरह लोग आगे आ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे हर साल नौजवान लेखकों की अच्छी अच्छी किताबों का पढ़ने का मौका मिलेगा, मिलता रहेगा. वाह, क्या बात है. तो लिसनर्स, ये थे जिलिम राइट, फेमस राइटर, ट्रांसलेटर, पोएट, जो कि वैली ऑफ वर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए देहरादून आई. रेडियो जिंदगी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.